लीजिए देखिए, एक नमूना अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही करना ही नहीं चाहते। कार्यवाही या तो धन के आधार पर होती है या फिर जनतंत्र के उग्र प्रदर्शन के आधार पर। यही सत्य है। अगर पीड़ित को समय से न्याय मिल जाए तो न अनशन, न प्रदर्शन और न सड़क जाम की जरूरत पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कानून इस तरह का है कि जब तक किसी की मृत्यु न हो जाए तब तक उसे न्याय की आस केवल सपना ही बनी रहती है। मेडिकल कॉलेज में मृतक पांडे के परिजनों के साथ जूनियर डॉक्टर की अभद्रता और फिर उनके हड़ताल प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों के दबाव में पुलिस द्वारा मृतक परिजनों पर ही मुकदमा लिख देना कहां का न्याय है? बड़ा सवाल है राजनीति करने वाले नेताओं का, समाज सेवा का प्रण लेकर अखबारों में छपने वाले समाज सेवियों का, पत्रकारिता कर रहे उन नौजवान साथियों का या फिर आम जन की उन भावनाओं का। क्या होगा जब पुलिस पक्षपात करेगी? आज जब पत्रकारों के द्वारा एक पीड़ित को न्याय दिलाने की मुहिम प्रारंभ की गई और उसमें जन समर्थन मिलना शुरू हुआ तो प्रशासन की गुंडाई देखिए, पुलिस न्याय मांगने वालों पर ही लाठियां भाजने और गिरफ्तारी पर आमादा हो गई। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि इनका मुकदमा लिखा जाए, इनके ऊपर जिनका मुकदमा लिखा जाए उसको निरस्त किया जाए, इनकी सुरक्षा की जाए, जिन डॉक्टरों के ट्रांसफर हो गए उनको यहाँ से रिलीज किया जाए, जिनका की गुंजाइश रोक लगाई जाए